संजीव जी, यू आर रिप्रेजेंटिंग द आम आदमी पार्टी ऑन द शो टुडे. दिस इज इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स. एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली द आम आदमी पार्टी डज इट, द कांग्रेस डज इट, द बीजेपी ऑल्सो डज इट. बट इन दिस केस इट्स द आम आदमी पार्टी दैट इज इन अ मेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब, बिकॉज द आम आदमी पार्टी लव्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रीबीज. कहीं से तो पैसा आएगा ना, वो पैसा है ही नहीं आपके पास. देखिए शिला, निश्चित तौर पे पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो उसकी जुगत भी करनी होगी, तो आम आदमी पार्टी ही करेगी और वो कोशिश भी लगातार जारी है. सवाल यह है कि जो फ्री बीच की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार, लगातार आम आदमी पार्टी को पंजाब में हो या दिल्ली में हो आईना दिखाने का प्रयास कर रही है. तो राज्य अपने कल्याणकारी योजनाओं को क्या केंद्र से पूछ के लागू करे? यदि कोई परेशानी होती है, यदि जीएसटी के पैसे हैं या केंद्र के हिस्से में जो है, या केंद्र सरकार यदि उसे मदद करे, तो निश्चित तौर पर सब कुछ चीजें दुरुस्त होंगी. हाँ, ये बात आप कह सकती हैं कि इसमें जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है, तो फिर राज्य भी केंद्र से पूछेगा कि फिर आप जो जल कल्याणकारी योजनाएं आपके ही पार्टी के अलग अलग स्टेट में है या आपके द्वारा जो केंद्र में चलाया जाता है, फिर उसके बारे में उनको सफाई देने की नौबत आ जाएगी. फिर ये भी पूछा जाएगा कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट थी तो उस समय देश पर कितना ऋण था, और 2024 तक आते आते 10 सालों में ऋण 3 गुना कैसे हो गया, हिंदुस्तान कर्ज में कैसे डूब गया, तो वो भी बात होगी उस पर. ये तमाम बातें जब बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी. निश्चित तौर पे आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए ये एक संकट की घड़ी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है. लेकिन इस तरह की भी बातें नहीं है कि उससे बिल्कुल पार्टी या सरकार बिखर रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं. थोड़ी बहुत जुगत करने की बात है, वो लगातार कोशिश करी जा रही है, और सब कुछ कंट्रोल में होगा आने वाले दिनों में. जो योजनाएं लगातार चालू रखी गई है, उन योजनाओं की वजह से यदि कोई परेशानी या कठिनाई पैदा होती है, संजीव जी, तो राज्य सरकार. संजीव जी, आप मुझे कह रहे हैं, ठीक है संजीव जी, आप मुझे कह रहे हैं कि हम अगर जन कल्याण की योजनाएं चलाएंगे तो क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के चलाएंगे? बिल्कुल नहीं. आपको जो चलाना है आप चलाइए, लेकिन आप अपनी झोली लेके फाइनेंस कमीशन के पास ही तो जा रहे हैं. वो फाइनेंस कमीशन आपको बेल आउट क्यों देगी? आप अपना डेट देखिए, 45-46% ऑफ द GDP. कोई फाइनेंस कमीशन किसी भी देश में आपको बेल आउट पैकेज नहीं देगी. कम से कम वो 35 तो करिए. आप मानते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स ने आज आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है? नहीं, मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि राज्य सरकार, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि केवल एक स्टेट की बात नहीं है. भारतीय यदि आम आदमी पार्टी यदि 1,000 रुपए देने की बात करे, तो फिर अन्य स्टेट में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि इसको यदि कटघरे में घेरा जाए, तो फिर लाडली भैया से लाडली बहना से लाडले भैया तक पहुंच गई ये बात. अब वहां भी तो इस तरह की योजनाएं चल रही है. तो निश्चित तौर पे यदि मैंने कहा कि यदि कोई इस तरह का लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए कि नहीं, कौन सी योजनाएं जन कल्याणकारी है, किससे राज्य सरकार अपना खजाना लुटा रही है, तो फिर एक इस तरह से गाइडलाइन हो तो फिर कोई बात नहीं है. लेकिन सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो उनके स्टेट के लोग हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं. अब कहीं परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने कहा इजी फॉर द बीजेपी टू स्टेप इन एंड क्रिटिसाइज. ठीक है डॉक्टर तयाल, इजी फॉर द बीजेपी टू स्टेप इन एंड क्रिटिसाइज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रन बाय द कांग्रेस एंड द पंजाब गवर्नमेंट रन बाय द आम आदमी पार्टी. बट द फैक्ट इज कि फ्री राशन आप लोग ही बांटते हैं, और बहुत सालों से बांट रहे हैं. द मनी कम्स फ्रॉम द टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री. एब्सोल्युटली राइट. द लाडली बहना योजना इज बीइंग रन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर स्टेट्स. अगेन द मनी कम्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स पॉकेट. Absolutely. So, with you. के मामले में आप लोग भी कम नहीं है. Although the Prime Minister has criticized the Rewari culture, the BJP does exactly the same thing. Absolutely with you, Shreya, on that. Now, what he has said is something very interesting. He said, and what you have also, you know, reiterated, that baki jagah bhi to chal rahi. Now, what happened is that there is this Olympian wrestler who has 25 eggs every day. So this guy standing next to him says, मैं भी बच्चे संडे रोल खाऊंगा. He doesn't realize that guy also goes and wrestles the whole day long and you don't. Now, if BJP is able to raise that money, there is no harm done. Now, let us take Pradhan Mantri Ann Yojana. Now, 11 lakh crore are being spent at the same time the fiscal deficit is coming down. Now, if you know how to handle the finances, if I want to buy something for my kid and I can raise the money for it, good. But just by seeing that I am buying it, you want to buy it and you don't have the money. Learn how to raise that money. That's what I said. Projects were there. Sending NHAI projects were there in Punjab, which Amritsar, Calcutta. And they're not getting completed. 40,000 crores. You are not doing anything about it.
आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यू डोंट नो हाउ टू रेज द मनी एंड व्हेन यू वांट टू फाइंड अ स्केपगोटसन दैट गाय इज आल्सो डूइंग इट बट दैट गाय नोज हाउ टू हैंडल हिज फंड्स एंड यू डोंट, दैट इज द प्रॉब्लम. सो यू कैन वन टाइम एपीएस खडियाल, ओके एपीएस खडियाल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस. एपीएस खडियाल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वुड यू वांट टू रिस्पोंड टू व्हाट द बीजेपी इज सेइंग? Yeah, number one, the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh has given free laptops, tablets for students, free kanji for poor during festivals. In Gujarat, they have given bicycles, free treatment for diseases. In Madhya Pradesh, they have given laptops again, Maharashtra, water supply, healthcare, etc. So the Bharatiya Janata Party need to stop giving lectures on freebies. They are doing that way more than others are. Number two, talking of Punjabs, in Punjab's increase in VAT of diesel petrol is our concern. Well, the Aam Aadmi Party's government is trying to raise a revenue of around 545 crore through this. This would not be needed if the Bharatiya Janata Party in the first place had not pruned, rather stopped Punjab's funds, tuning to around 12,300 crores. They have stopped our RDF, which is around 5,500 crores. They have stopped the NHM, which is around 800 crores. They have stopped the MDF. They have stopped the Sarva Siksha Abhiyan. They have stopped the special assistance grant, borrowing limit and whatnot. And they have been doing this because Punjab gave them zero seats in the Lok Sabha election. Their candidates were not allowed to enter villages. They were banned. They were not allowed to enter. And from many places, they had to even flee because the people were really angry with the Bharatiya Janata Party, for they have been subjecting Punjab to stepmotherly treatment. And that's why they have two MLAs in Punjab. And the Bharatiya Janata Party saying that, the Bharatiya Janata Party is not doing any kind of discrimination is untrue, because they had back in the day signed Uday scheme with us. An Uday scheme was signed. And in that, it was clear cut that the state government will not really have to bear the costs. But the costs of around 2,400 crores, which was suffered by the PSPCL, the centers now ask the state to pay. So, I mean, okay, after signing MOUs, okay, after signing all these, you go back on your word. This is what the BJP does all the time.